हिस्सों में बाढ़, बारिश और सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आ रही हैं और जम्मू कश्मीर से भी आ रही हैं, जहां लोग काफी परेशान हैं और दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कुदरत की बार रुक जाए, प्रकोप थम जाए। कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसी जलधारा जो चट्टानों के वजूद को चकनाचूर करते हुए बहती हैं, ऐसी जलधारा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाते हुए निकलती हैं, ऐसी जलधारा जिसका सामना करने की हैसियत किसी में नहीं होती। ये उत्तराखंड में यमुना घाटी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मूसलाधार मुसीबत बरसी है। आलम यह है कि नदियाँ किनारों को तोड़कर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, नालों में उफान है, सड़कें समंदर हो गई हैं, मैदान तलैया, चारों ओर जल ही जल। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। भारी बारिश ने यहाँ ऐसा कोहराम मचाया कि एटीएम समेत 10 दुकानें बह गईं। बताया जा रहा है कि एटीएम में 24 लाख रुपए मौजूद थे। कई घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया। बारिश में उफनते बरसाती नालों ने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे पूर्व भी पहले भारी वर्षा हो चुकी है और मेरे द्वारा शासन प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप में भी अवगत करवाया गया है। पुरुला क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी कुछ दिन पूर्व आए माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को भी मेरे द्वारा लिखित रूप में दिया गया है, परंतु इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तरकाशी में रात भर भारी बारिश होती रही और लोग डर के साए में जीते रहे। उधर हाईवे पर मलबा आने की वजह से आवाजाही ठप है, दोनों ओर लंबा जाम है। उधर देहरादून में भी भारी बारिश हो रही है। शहर में जिंदगी अस्त व्यस्त है। देहरादून से सटे विकास नगर में भी कुदरत जमकर कोहराम मचा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया गया है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते टिहरी गढ़वाल में देहरादून गंगोत्री हाईवे ठप है। दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। प्रशासन ने जेसीबी मशीनें लगाई हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हाईवे ठप है। आवाजाही शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कवायद जारी है। लगातार स्वाला पर स्लाइडिंग हो रही है तो रोड क्लियर भी की जा रही है और ऊपर से अगर स्लाइड हो रहा है तो रोड बंद भी हो रही है, तो इस संबंध में अभी तक रोड खुली नहीं है, लगातार काम चल रहा है और सभी स्टेक होल्डर को सूचित कर दिया गया है और तदनुसार अग्रिम कार्रवाई लगातार की जा रही है। भारी बारिश उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। कहीं मलबे से तबाही की खबर है तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, ये जम्मू कश्मीर में कठुआ और सांबा की तस्वीरें हैं। देखिए सड़कों पर किस कदर पानी भरा हुआ है, बाइकें डूब डूब चल रही हैं, लोग मुश्किल में हैं। शहरों में इस कदर पानी भरा कि घरों में पानी घुस आया। सिर्फ पानी ही नहीं, कुदरत का क्रोध यहाँ इस कदर भड़का कि जमीनें धंसने लगी। ये तस्वीरें श्रीनगर के पास बिल्केदार की तस्वीर है। यहाँ पर डंपर खड़ा था, मगर भूस्खलन शुरू हुआ तो सड़क जमीन में धंसने लगी और आखिरकार डंपर यूं नदी में गिर गया। यूं समझिए कि कुदरत का क्रोध पहाड़ों पर जमकर बरपा है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ तेजपाल सिंह चौहान, श्रीनगर आज तक।